तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल विजुअल में। दोस्तों आज हम Realme GT Master और iPhone 11 Pro Max का कुछ स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों दोनों फ़ोन को बूट ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि देख दोनों में ही चालू हो रहा है। और अगर Realme GT Master के स्नैपड्रैगन की बात करें तो 778 का स्नैपड्रैगन मिल जाता है और iPhone के 11 Pro Max के अगर बायोनिक चिप की बात करें तो 813 का बायोनिक चिप मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों कुछ ऐप्स को ऑन करके देख लेते हैं। उससे पहले हम वाईफाई जो कनेक्शन है वो चालू कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों में ही चालू हो गया है। अब जो एप्लीकेशन है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कॉल लॉग ऑन करने से आईफोन का काफ़ी जल्दी स्पीड में चालू हो गया। और सेटिंग की बात करें तो सेटिंग भी आईफोन 11 में काफ़ी जल्दी चालू हो गया। और अगर GT Master की बात करें तो प्ले स्टोर काफ़ी जल्दी चालू हो गया GT Master में। और अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स आईफोन में काफ़ी जल्दी चालू हो गया जो कि GT Master में काफ़ी टाइम लगा। और Amazon की बात करें तो Amazon iPhone 11 Pro Max में काफ़ी जल्दी चालू हो गया। और दूसरे हमारे गेम की बात करें Angry Bird 2 की, तो जैसे कि देख सकते हैं। और अगर Realme GT Master की बात करें तो 5G मिल जाता है और iPhone जो है कि 4G मिल जाता है हमको। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन के गेम लोड हो रहे हैं और दोनों का टाइमिंग तो सेम ही था, लेकिन जो मेरे को iPhone का थोड़ा स्पीड लगा उसके मुकाबले। तो दोस्तों अगर अगले गेम की बात करें हमारे COD की, तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों में ही हमने चालू कर दिया है। तो जैसे कि देख सकते हैं आईफोन में काफ़ी जल्दी चालू हो गया जो कि Realme GT Master में काफ़ी टाइम लगा। तो ये मेरे को माइनस पॉइंट लगा GT Master के लिए। और आईफोन 11 Pro Max काफ़ी इम्प्रूव लगा ये चीज़ के लिए, तो मैं इस चीज़ के लिए माइनस पॉइंट बोलना चाहूँगा Realme GT Master को। तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों फ़ोन में काफ़ी जल्दी नहीं हो पाया और काफ़ी डिफरेंस था। तो चलिए दोस्तों दूसरे गेम की बात करें हमारे COC की, तो जैसे कि देख सकते हैं COC हमारे 11 Pro Max में काफ़ी जल्दी चालू हो गया जो कि Realme GT Master में काफ़ी टाइम लगा। तो चलिए दोस्तों अभी अगले गेम की बात करें सबवे सफ़र की, तो जैसे कि देख सकते हैं सबवे सफ़र दोनों में ही चालू कर दिए हैं। तो देखते हैं कौन सबसे पहले चालू होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों में ही काफ़ी सेम था, लेकिन जो ठीक ही था, सेम ही था और काफ़ी डिफरेंस नहीं था कुछ। और टेम्पल रन 2 की बात करें तो टेम्पल रन 2 Realme GT Master में काफ़ी जल्दी चालू हो गया जो कि iPhone 11 Pro Max में काफ़ी टाइम लगा। तो ये मेरे को माइनस पॉइंट लगा iPhone के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी अगले गेम की बात करें हमारे अगला गेम है Pokemon Go। तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों में ही फ़ोन में चालू कर दिए हैं हमने। तो Pokemon Go आईफोन में काफ़ी जल्दी चालू हो गया जो कि Realme काफ़ी टाइम लगा। और PixArt की बात करें तो हमारे PixArt दोनों में ही सेम था, लेकिन जो Realme GT Master है वो थोड़ा स्पीड लगा मेरे को आईफोन के मुकाबले। तो अगले गेम अगले ऐप की एप्लीकेशन की बात करें Spotify की, तो Spotify दोनों में ही सेम था। और अगले गेम की बात करें हमारे Garena Free Fire की, तो जैसे कि देख सकते हैं Garena का जो है वो डिस्प्ले पहले आईफोन 11 Pro Max में हो गया और काफ़ी जल्दी चालू हो गया 11 Pro Max में जो कि Realme GT Master में काफ़ी टाइम लगा। और काफ़ी टाइम लगने के वजह से ये मेरे को काफ़ी माइनस पॉइंट लगा। और दोस्तों अगले गेम की बात करें Mario की, तो जैसे कि देख सकते हैं आईफोन 11 Pro Max में काफ़ी जल्दी स्पीड से आ गया वो चीज़ जो कि उसको Realme GT Master को काफ़ी टाइम लग रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये मुकाबले में आईफोन 11 जीत गए हैं। और दोस्तों अगले गेम की बात करें एप्लीकेशन की, तो स्काइप काफ़ी जल्दी चालू हो गया आईफोन 11 Pro Max में। और अगले एप्लीकेशन की बात करें हमारे गूगल क्रोम की, तो क्रोम काफ़ी जल्दी चालू हुआ आईफोन में। और कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर दोनों में ही सेम था। और हमारे कैमरे की बात करें तो कैमरा दोनों में ही सेम लगा, तो काफ़ी कुछ डिफरेंस नहीं था। और हमारे पबजी की बात करें BGMI, तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों में ही चालू हो गया है। क्राफ्टन का जो है वो चालू दिखा रहा है, डिस्प्ले हो गया है। तो जैसे देख सकते हैं GT Master में पहले ही डिस्प्ले हो गया वो चीज़ का। तो देखते हैं अभी 11 Pro Max में
उसको हरा पाता है कि नहीं। तो जीटी मास्टर मुझे लग रहा है ये मामले में जीत जाएगा। तो फाइनली जीटी मास्टर काफ़ी सिंपली काफ़ी आराम से जीत गया आईफोन 11 प्रो मैक्स के मुकाबले। और अगर जीटी मास्टर की बात करें तो 8GB रैम है इस वक्त, और आईफोन 11 की बात करें 11 प्रो मैक्स की तो हमारे पास इस वक्त 4GB रैम है। तो दोस्तों मुझे ये दोनों के ही कंपैरिजन में मेरे को आईफोन थोड़ा बेटर लगा, और कहीं कहीं रियलमी भी बेटर था उसके मुकाबले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।